थाने के अंदर आई पीड़ित महिला जो कर रही थी अपने मामले की जानकारी। एक एक्सीडेंट में उजड़ गया उसका सुहाग। जानकारी के नाम पर दरोगा ने की अभद्रता, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसमें इस अभद्रता मामले को सोशल मीडिया में वायरल करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को निलंबित व शुरू कर दी विभागीय जांच। औरैया जिले के दिव्यापुर थाने में एक दरोगा ने सुशासन के दम पर पुनर्विजयी हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया। एक्सीडेंट में मृतक के परिवार के साथ सहानुभूति की जगह दरोगा थाने में तंबाकू खाते हुए जमकर हड़काता है और मृतक की पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देता है। मृतक की पत्नी का सिर्फ इतना पूछना था कि जिस ट्रैक्टर की टक्कर से उसकी पति की मौत हुई वह थाने से कैसे छूट गया। इस बात पर दरोगा जी अपना आपा खो बैठे। थाने में बैठे सब इस दरोगा जी की तानाशाही देखते रहे, लेकिन बोल कोई नहीं पाता। आखिर नाम भी तो है विश्वंभर पांडे, जो खुद को थाने का दबंग फिल्म का चुलबुल पांडे मानते हैं। थाने में मौजूद किसी अन्य फरियादी ने यह वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। विगत 11 मार्च को ईंट लाद कर जा रहे ट्रैक्टर ने वीजीएम कॉलेज दिव्यापुर के पास बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सहायल के गांव पूर्वाछमा निवासी प्रताप उर्फ बलवंत की मौत हो गई थी। चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ट्रैक्टर थाने ले गई थी, परिजनों में कोहराम मचा रहा। अब मृतक की पत्नी हादसा करने वाले ट्रैक्टर का पता करने आए तो थाना दिव्यापुर में दरोगा विश्वंभर पांडे ने ट्रैक्टर कोर्ट से छूट जाने की बात कही। पूछने पर महिला को जमकर भड़काया और भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। दरोगा जी सीट पर बैठे तंबाकू भी थूकते जा रहे थे। पूरा थाना यह सब देख रहा था, लेकिन कोई इस पर बोला नहीं। किसी ने वीडियो बनाकर देर रात वायरल कर दिया। सोशल मीडिया में पुलिस की इस कार्यशैली की जमकर किरकिरी हो रही है। मामला सोशल मीडिया में वायरल होने पर मामले की जांच सीओसीटी सुरेंद्रनाथ को सौंपने की बात एसपी औरैया के द्वारा कही गई। इसके साथ ही साथ दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दरोगा जी के विभागीय जांच शुरू कर दी। अमित कुमार शर्मा औरैया की खास रिपोर्ट। तैयार है इस बात ट्रैक्टर ये यहाँ पर खड़ा था। ट्रैक्टर सर कैसे गया? दिव्यापुर कौन से कोर्ट? कौन से कोर्ट? दिव्यापुर पचानवे। हाँ क्या क्या वक्त में जानकारी करना है इसको? ये जानकारी कर रहे थे कि ये ट्रैक्टर कैसे ये ट्रैक्टर कोर्ट से छुआ है। कोई इजाजत नहीं ली, हम बताओ हम क्या करें? तुम कौन इजाजत देने वाली होती है? इजाजत तुमसे इजाजत देख वो छोड़ा जाएगा? कोर्ट ने छोड़ दिया तो तुमसे इजाजत नहीं जाएगी? नहीं तो सर हम जाना नहीं, हमें वही बताओ। अब तीन बार तुमसे बता चुके, कोर्ट से आदेश हो गया, कोर्ट ने छोड़ दिया उसको। तुमसे इजाजत नहीं, तुम कौन होती हो? तुमको डीएम हो, एसपी हो, तुम अदालत हो, कोर्ट हो, क्या हो तुम? क्या सुनवाई होगी तुम्हारी? तो हम बताओ हम क्या करेंगे? तीन माँ बच्चा छोटे छोटे, वहाँ कोई सहारा नहीं, अब कैसे कहेंगे, अब कैसे जिंदगी बिताएंगे? तुम मुकदमा नहीं लिखाना चाहिए उससे पैसा ले लेती? किन्ने मुकदमा लिखा होगा तुमने? जब हमसे कोई ने सलाह ही लाई होता बलवंत कौन है तुम्हारे? हमारे ससुर जी। तुम्हारे ससुर ने मुकदमा लिखाया है? नहीं लिखा हो। उन्होंने लिख के दिया तुम ये लोग खुदाई आफत में करे, काम काज में करे, कोई आ नहीं पा। तुम्हारे ससुर ने मुकदमा लिखा दिया, ट्रैक्टर पकड़ गया, बंद हो गया, ड्राइवर जेल गया, जमानत करवा लिया, ट्रैक्टर कोर्ट ने छोड़ दिया। कोई बात नहीं सर, ये कुछ नहीं हुआ जो आप बोल रहे हैं। अगर ये बात होती तो हमें आने नहीं पड़ते। जाओ तुम जहाँ जाना हो जाओ। आप बाद में ये मत कहना कि ये क्या किया। जा तू जा। जा तब जा, तुझे झंडा फाड़ना पड़ जाएगा। ऐसे बात कर रहे जैसे कि ऐसे लेडीज से आप ऐसे बात कर सकते हैं? तो तुमने पूछ लिया हमसे, पूछा हमारा इंसान गया है, तो पूछा कितना क्या भीग रही है हमसे? पुलिस मार दिया क्या?
सोशल मीडिया पे थाना दिव्यापुर से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि थाने पे तैनात सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे द्वारा थाने पर आई एक पीड़िता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और गाली गलौज की जा रही है। इस वीडियो के तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच सीओसीटी को दी गई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर सब इंस्पेक्टर विशंभर पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी गई है। साथ में उस पीड़िता महिला की सुनवाई हेतु सीओसीटी को निर्देशित किया गया है, जो उस महिला का पक्ष सुन करके गुण दोष के आधार पर उसकी कार्रवाई करेगी।